हम लोग अमरकंटक में नर्मदा मंदिर, जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम हुआ है, हम लोग आ रहे हैं। नर्मदा मंदिर में ये वह स्थल है नर्मदे जहाँ से मैया की जय, नर्मदा जी का उद्गम हुआ है। ये देखिए उधर राम जानकी मंदिर है, तमाम मंदिर है यहाँ पर, और ये मुख्य स्थल है। यही वो स्थल है जहाँ से नर्मदा जी का उद्गम हुआ है। यहाँ से आइए हम लोग अगरबत्ती लगा दे, दर्शन कर रहे हैं नर्मदा जी के उद्गम स्थल का। ये कुंड है वही स्थान जहाँ पर नर्मदा जी का उत्पत्ति हुआ है। ये वही स्थल है जहाँ से ब्रह्मपुत्र और सोन नदी का उद्गम स्थल है। ये देखिए कुंड है, ये भद्रसेन सोन का उद्गम स्थल, और ये देखिए गोमुख से धारा निकल रही है ब्रह्मपुत्र और सोन नदी के उद्गम स्थल पर हम लोग हैं। डंडोर महाराज जी, नहीं अच्छा, इधर ले सकते हैं। शक्ति गुंडी भर के ये भद्र कुंड है, ये ब्रह्मपुत्र सोन जी के छोटे भाई भद्र हैं। यहाँ से भद्र कुंड का जल और और ये है सोन और भद्र,
दोनों का संगम, दोनों जल मिलकर के आ रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ से ले लो, यहीं से जल की धारा निकलते हुए जा रही है। यहाँ नीचे से, ये नीचे से जाकर थोड़ा जल ले लीजिए, यहाँ से। हाँ, और यहीं जल जा करके आगे वाटरफॉल सनराइज, विशालकाय सोनभद्र नदी का स्वरूप धारण कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक विशाल ये साल वृक्ष लगे हुए हैं चारों तरफ, और औषधि अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर। यहाँ पर ये गुलबकावली है ना, ये गुलबकावली है जिससे नेत्र की दवा बनती है। और यहाँ पर अनेक प्रकार के रोगों की दवा दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। ये सोनमुंडा जगह है, ये सोनमुंडा जगह है। और देखिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं यहाँ पर। ये देखिए सोन और भद्र दोनों, सोनभद्र का उद्गम स्थल। यह जलप्रपात हो रहा है 365 फुट लगभग नीचे। ये जल गिर रहा है, ये अति सुंदर विहंगम दृश्य को आप अवलोकन करें। ये जल गिरते हुए और यहीं से ये जल प्रपात हो रहा है। और यहीं आगे चलकर के 40 किलोमीटर के बाद सुंदर दृश्य बन जाता है। देखिए यहाँ हमारे पुजारी जी महाराज खड़े हैं। ये सोन और भद्र दोनों नदियों का संगम का विहंगम दृश्य आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। यहीं देखिए सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, अति विहंगम दृश्य है ये। आहा, कितना सुंदर दृश्य है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से, अति सुंदर दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। ये सोनमुंडा नामक जगह है जहाँ सोन और भद्र दोनों नदियों का संगम है। और यहीं से जल गिरते हुए जा रहा है सोन और भद्र नदी का यह उद्गम स्थल है सोनमुंडा। हम लोग जलेश्वर महादेव जी का दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर जोहिला नदी का उद्गम है। यही जलेश्वर नाथ जी का शिवलिंग है। ये माता पार्वती का दर्शन कर रहे हैं, गणेश जी का दर्शन कर रहे हैं, हनुमंत लाल जी का दर्शन। यहाँ के वर्तमान महंत जी का दर्शन। और शनि मंदिर का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। यहीं से ये स्रोत जोहिला नदी का निकल करके ये कुप में जाता है, और कुएं से निकल करके ये श्रोता निकलते हुए जोहिला नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये श्रोता जा कर के शहडोल में दशरथ घाट पर यहीं से ये देखिए श्रोता जा रहा है। ये जा कर के
ये स्रोत दिखाई दे रहा है ना, यहीं स्रोत जा रहा है और जाकर के जोहिला नदी के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। और शहडोल में दशरथ घाट पर सोनभद्र नदी में इसका विलय हो जाता है। जलेश्वर धाम अमरकंटक से श्री अमर आश्रम का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जहाँ से ये हम लोग ये बट का वृक्ष देख रहे हैं विशाल। यहीं से अमरावती गंगा का प्राकट्य हुआ है, यही अमरावती गंगा का उद्गम स्थल है। वो गोमुख दिखाई दे रहा है, वहीं से अमरावती गंगा निकली हुई है और बड़ा ही फिसलन भरा रास्ता दुर्गम पहाड़ियों के बीच। आइए हम लोग चलते हैं, ये भी एक झरना आता रहता है बरसात के दिनों में, ये है त्रिलोचन संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ 108 वर्ष के लिए कुंड है, हाँ इसी कुंड में, हाँ जो है 108 वर्ष के लिए रामायण पाठ का अनुष्ठान है। और ये देखिए ये कुंड निकला है ना, इसी कुंड से ये देखिए नीचे से पानी आ रहा है, जल के स्रोत बहते हुए आ रहे हैं सब। और ये गोमुख है इस कुंड से, नहीं गोमुख से लीजिए, हाँ ये देखिए जल के सोते हैं सब, निकल रहे हैं दीवारों से। और ये गोमुख है, गोमुख से निकल करके अमरावती गंगा जा करके बिलासपुर के पास सोनभद्र नदी में समाहित हो गई हो जाती है। देखिए हमारे पुजारी जी हैं, ये अमरावती गंगा का जल ले रहे हैं। बड़ा ही विहंगम और सुंदर दृश्य हम लोग देख रहे हैं अमरावती गंगा में, क्या ये अमरावती गंगा का उद्गम स्थल है।